ऑल राइट गेमर्स, वेलकम बैक टू अनदर गेमिंग सीरीज़। तो आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है शैडो फाइट 4, जिसको तुम शैडो फाइट अरीना के नाम से भी जानते होगे। ये गेम मैंने स्टार्ट करी थी 2021 में, कुछ टाइम तक खेली थी लेकिन उसके बाद इसको क्विट कर दिया, क्योंकि जब ये न्यूली लॉन्च हुई थी तो इतने ज़्यादा प्लेयर नहीं आते थे। तो अपोनेंट तुम्हारा हमेशा एक AI होता था या फिर तुम्हें कंप्यूटर के अगेंस्ट खेलना पड़ता था। बट अब मैं देख रहा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, सो आई थिंक वाई नॉट वी शुड प्ले दिस। तो मैंने इसको लॉग इन किया, अपना अकाउंट रिस्टोर किया और पिछले 2-3 हफ्तों से मैं खेल रहा हूँ। और अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपना स्कोर, ठीक है। अभी मैं तुम्हें लीडर बोर्ड दिखाऊँ तो टॉप 35% में अभी मेरा रैंक है, ठीक है, बट यहाँ कहीं लिस्टेड नहीं है। तो मेरे को क्या करना है कि टॉप 10 में आना है, जैसे कि ये देख रहे हो ना, अभी टॉप 10 में नंबर 1 पे पता नहीं कौन है, नंबर 2 पे जैसे कैंपर स्लेयर, ओके। सो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि किसी तरह बस मैं टॉप 10 में आ जाऊँ, ओके। तो इसके लिए मैं चैलेंज ले रहा हूँ इस पर, ओके। तो अभी मेरे हीरोज़ अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ ना, ये देखो अभी कितने मेरे पास, ओके 12 हीरोज़ मैंने अनलॉक किया अभी रिसेंटली, मैंने इसको अनलॉक किया था, इसका नाम है जेट, ओके। एक ई एक्स्ट्रा होता तो मेरा नाम बन जाता, ओके। तो इस हीरो को मैंने अनलॉक किया था और ये काफ़ी कूल है, पता है इसकी पावर्स बहुत ज़्यादा हैं। लाइक अगर मैं डिटेल्स पर दिखाऊँ ना, तो ये देखो इसका रैंक अभी 3 है, ओके, क्योंकि मैंने इसको अभी रिसेंटली अपग्रेड किया था। बाकी तुम मेरे हीरोज़ देख सकते हो, अभी 3 मेरे हीरोज़ हैं लेवल 7 के हो गए हैं और बाकी जो हैं वो 6 के हैं और 3 पे अभी ये न्यूली जो मैंने अनलॉक किए। लाइक अभी मैं बहुत ज़्यादा पीछे हूँ बाकियों को, मैं देख रहा हूँ बाकी प्लेयर्स बहुत आगे निकल गए, इसलिए मैं चैलेंज ले रहा हूँ कि मेरे को टॉप 10 में आना है, ओके। और साथ में मैं देखना चाहता हूँ कि क्या PC में खेलने में और मोबाइल में खेलने में कोई डिफरेंस आता है। मोबाइल पे मैंने इसको बहुत खेला है, शैडो फाइट 4 को, शैडो फाइट 3 को भी बहुत ज़्यादा खेला है। सो मैं देख रहा हूँ क्या PC पे कुछ अलग एक्सपीरियंस होता है, क्या हमें कोई बेनिफिट होएगा ज़्यादा बड़ी स्क्रीन का, आई डोंट नो, क्योंकि जो कंट्रोल्स हैं वो कीबोर्ड पे हैं। सो एक बेनिफिट होगा हमें बड़ी स्क्रीन का, लेकिन एक नुकसान होगा कीबोर्ड की कंट्रोल्स का। सो लेट्स प्ले, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है, ओके। सो मैं एक रैंक्ड मैच लगा लेता हूँ, ओके ओके। ओह शिट, यस, ओह शिट, ओ मैं यहाँ पे यूज ही नहीं कर पा रहा इस पावर को। आई मीन जो कीबोर्ड के कंट्रोल्स है ना, वो मोबाइल से हैं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट। ओह शिट, ओह शिट, गया मैं, यस यस, ओह शिट, ऑलमोस्ट उसकी हेल्थ काफ़ी नीचे ले आया था मैं। बट प्रॉब्लम पता है क्या है, जैसे तुम अपने मोबाइल पे यूज़ करते हो ना कंट्रोलर को, तो अंगूठे से बड़ी आसानी से घुमा लेते हो, वैसे इसमें घुमा नहीं सकते कीबोर्ड पे, ओके। लाइक आगे पीछे कर सकते हो बट थंब को ना ऊपर नहीं घुमा सकते, समझ रहे हो, ओके। और एक डिफ़िकल्टी ये है कि जब तुम्हें हर एक बटन पे माउस को रखना पड़ेगा तभी ये चलेगा, ओके। आई थिंक मेरे पास चांस है जीतने का, ओह शिट, ओह शिट, ओके। तो मेरे को ये देखना था कि PC और मोबाइल में क्या डिफरेंस आता है, ठीक है। बट एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि एक चीज़ मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि जब हम मोबाइल पे खेलते हैं ना, तो जो कंट्रोलर रहता है ना उसको हम अंगूठे से ऐसे करके घुमा सकते हैं ऊपर को, तो जो हम फॉरवर्ड जंप लेते हैं या बैकवर्ड जंप लेते हैं वो इसमें कीबोर्ड के साथ जंप लेना डिफ़िकल्ट है। बट हमें मोनीटर पर काफ़ी बड़ी स्क्रीन देखने को मिलती है, तो इसका एक बेनिफिट है, एक बेनिफिट भी है और एक हमें नुकसान भी है कीबोर्ड से। बट इस चीज़ को हम कर सकते हैं, ठीक। लाइक अगर कीबोर्ड पे तुम्हारा हाथ बैठ जाए ना, कि इसको
एक होता है अपर बटन, एक होता है ये साइड वाला। इसको बीच में अगर लाना है ना, तो बीच में लाने के लिए दोनों कीज़ को प्रेस करना पड़ता है, ठीक है, एक ऊपर वाली एक साइड वाली। तो वो बीच वाला जो हम फॉरवर्ड जंप लेते हैं या फिर बैकवर्ड, तो उस बटन को अगर तुम कंट्रोल करना सीख गए ना, तो फिर कीबोर्ड अमेजिंग है, बट उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। ओके, सो आई थिंक ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था शैडो फाइट 4 ऑन माय पीसी, और मेरे को लगता है कि अगर मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करूँ ना कीबोर्ड के साथ, तो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन बैठ सकता है, क्योंकि ऑफकोर्स पीसी पे इतनी बड़ी स्क्रीन मिलेगी तो मैं बेनिफिट रहेगा भाई। ओके, अभी लिंग के साथ आया मेरा मैच। ओके, मैं पहले रेंज्ड अटैक मारूंगा इसको। ओके, अब वो डिफेंसिव खेल रहा है। यस यस, आई थिंक पावर यूज करने का टाइम आ गया। ओह शिट, ओके हैवी अटैक। यस, अभी मैं पावर यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं पावर बटन पे क्लिक करूँगा ना, तो ये मेरा चांस चला जाएगा। ओके, ओह शिट, रेंज्ड अटैक। ओह शिट, ओह शिट, ओके फाइनली। ओके, फर्स्ट मैच तो मैंने जीत लिया जैसे तैसे। आई थिंक मेरे को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कीबोर्ड के साथ, तभी मैं कॉम्बिनेशन अच्छा बिठा सकूँगा अपने शैडो फाइट 4 में। ओके, ठीक है, पावर लाइक शैडो एनर्जी यूज़ करने के लिए ना, अगर तुम फ़ोन पे खेल रहे हो तो क्या करोगे, थंब को ऐसे स्लाइड कर लोगे ऊपर से उधर, बट यहाँ तुम्हें माउस को हिलाना पड़ेगा, उस बटन पे लाना पड़ेगा, और इससे डीले हो जाता है, पता है। ओके ले, ओ शिट, यस, लाइक जैसे मैंने कहा था, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए बस। वैसे ये लिंग था यार, इसको हराना इजी है। ऑलराइट, अभी मैंने स्टोरीज भी कंप्लीट नहीं की हैं, पता है, चैप्टर फर्स्ट पे हूँ मैं, और 8 कर लिए हैं, अभी चैप्टर सेकंड भी नहीं स्टार्ट किया मैंने। वैसे टोटल कितने चैप्टर हैं, आई डोंट नो। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 7 हैं इसमें। ओके, 7 बुक्स और 10 चैप्टर होंगे हर एक बुक में, आई थिंक। अब मैं देखूँ मैं कितने रैंक में हूँ, अभी मैं 35% में हूँ, अरीना 5। मुझे ऐसा लगता है कि अभी बहुत सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं शैडो फाइट 4।